नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। हलिया थाना क्षेत्र के चौकी ड्रामंडगंज में विवादित जमीन पर कब्जा को लेकर दो पक्षों में रविवार को अल सुबह ही मारपीट हो गई, जिसमें उभी पक्षों को सामान्य चोटिल होने की बात इलाका चौकी प्रभारी ड्रामंडगंज द्वारा बताई गई सूचना पर पहुंचे। चौकी प्रभारी ड्रामंडगंज योगेंद्र पांडे द्वारा मौके पर पहुंचकर उभी पक्षों को चौकी पर लाया गया तथा शांति भंग करने की सामान्य कार्यवाही करने की बात बताई गई। बताया जाता है कि उक्त आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाराणसी कया कुमारी ड्रामंडगंज सेवची नदी के पार स्थित है, जो कि व्यवसाय की व्यापार के लिहाज से बहुमूल्य है, जिसको एक पक्ष रमापति देवी पत्नी स्वर्गीय रामचरण केशरी द्वारा बहुत वर्ष पहले पंजीकृत बैनामा कराया गया था, जिस पर दूसरे पक्ष द्वारा जमीन को कुछ हिस्सा अपने लिए समझौते के तहत पाने की बात को लेकर आए दिन कब्जा संबंधी विवाद उभी पक्षों में हो जाता है। इसके पहले भी मकान निर्माण को लेकर 28 फरवरी 21 को विवाद हुआ था। संयोगवश तब भी रविवार दिन था, आज भी रविवार दिन है। चिंतनीय विषय यह रहा कि आज जब समूचे जनपद में कठोर लॉकडाउन के जिलाधिकारी का सख्त आदेश है, इसके बाद भी विवादित जमीन पर कब्जा करने की बात मनबठाई का सीमा तोड़ उल्लंघन नहीं तो और क्या हो सकता है। ऐसे में इस घटना को इलाका पुलिस द्वारा किस नजरिया से कानून में लिया जाएगा, आने वाले समय में पता चल पाएगा। पूरा नंगा हो गया, कपड़ा ऐसा खोल के ऐसा देखा हुआ था, मतलब यहाँ परिवार नहीं है, यहाँ सब हिंदुस्तान हो नंगा खोल के पैंट दिखा था, मतलब ऐसे दिन पर चेक करे मर जाए बिना खाए उन्ने मुंह पर रहे। पैसा समझे चली।